हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रिंस और आप देख रहे हैं मेवात आज तक। दोस्तों आज हम पुराना विधानसभा क्षेत्र के गांव लुइंगा कला में पहुंचे हैं। यहां एक मदरसा है जो पहले 5 साल से बंद था, लेकिन गांव वासियों की बदौलत ये दोबारा से शुरू होने जा रहा है और यहां पर एक बड़ा इजलास आम भी होने वाला है। तमाम ग्रामवासी हमारे साथ हैं और ये सभी मिलकर एक बड़ा प्रोग्राम यहाँ पर करने जा रहे हैं। आखिर ये प्रोग्राम कब है, कौन कौन इस प्रोग्राम में आ रहा है, ये सब हम ग्रामवासियों से जानते हैं। पहले हम एक ग्रामीण से बात करते हैं। क्या नाम है जी आप? मोहम्मद इलियास जी। जो ये प्रोग्राम है कब का है? 17 तारीख 17 अक्टूबर जी। यहाँ पर एक बड़ा प्रोग्राम, इजलास आम जिसे हम कहते हैं, कहाँ कहाँ से लोग यहाँ में हिस्सा लेंगे? मेवात से, हरियाणा से और यूपी से, सभी जगह, और राजस्थान से, तकरीबन यूपी से भी हैं, महाराष्ट्र से भी हैं। यहाँ पर एक बड़ा इजलास आम होने जा रहा है जो हरियाणा, राजस्थान, यूपी, महाराष्ट्र तक के लोग यहाँ पर इस इजलास आम में हिस्सा लेंगे। अब हम कारी साहब से बात करते हैं। क्या नाम है? मेरा नाम है कारी मोहम्मद वसीम और इस मदरसे का एक अदना सा एक रहबर भी हूँ। इस मदरसे का मैं मुहतमी हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल करम से इन गांव वालों की मदद से मैंने अपने हाथ में लिया है। ये 5 साल से वीरान पड़ा था। दुआएं करें कि अब इस अल्लाह ताला इसके अंदर फूलों के महकते और अल्लाह ताला इसके निज़ाम को, अस्हाब सुफ़ा जो नाम रखा है इस मदरसे का, वाकई में अल्लाह ताला इसको अस्हाब सुफ़ा का नमूना बना दीजिए। ये इस मदरसे का नाम है जो जामिया अस्हाब सुफ़ा है। यह लुंगा कलाम में स्थित है और जो ये इजलास आम होने जा रहा है, कौन कौन इस इजलास आम में हिस्सा लेने आ रहे हैं? इसके सबसे बड़े जो मेहमान खुसूसी हम लोगों के बड़े मौलाना ग़ुलाम अहमद वस्तानवी दामद बरकातुहुम के साहबजादे मौलाना हुज़ैफ़ा साहब वस्तानवी दामद बरकातुहुम, जो अक्कलकुआ महाराष्ट्र में जो सबसे बड़ा इदारा चला रहे हैं जामिया इशातुल उलूम अक्कलकुआ के नाम से, वो यहाँ पर तशरीफ़ ला रहे हैं। उसके बाद हमारा मेवात का सबसे बड़ा एक बड़ा अजीम इदारा है जिसको हम लोग बड़े ही ज़ोर और शोर से हम उसके कामों को और उसकी बातों को हम दिल में लेकर के चलते हैं, वो है दारुल उलूम मीलखेड़ा, जिसके बानी हज़रत मौलाना राशिद साहब दामत बरकातुहुम तशरीफ़ ला रहे हैं, जो शेखुल हदीस भी हैं वहाँ के। उसके बाद मुफ्ती हारून साहब नदवी, जो जलगांव महाराष्ट्र के वायरल न्यूज़ चलाते हैं और रिपोर्टर भी हैं वो, और अल्हम्दुलिल्लाह वो भी तशरीफ़ ला रहे हैं जलगांव महाराष्ट्र से। और एक हमारी अजीम शख्सियत मेरे और मेरे ख़ुद के उस्ताद मोहतरम मुफ्ती मोहम्मद अरशद साहब फलाह दारैन तरकेश्वर सूरत गुजरात से तशरीफ़ ला रहे हैं। ये अकाबरीन हम लोगों के दरमियान में और आएंगे और अपने कलमात से हम लोगों को मुस्तफ़िज़ फरमाएंगे। दोस्तों देखा आपने, कारी साहब ने बताया कि यहाँ बड़ी बड़ी हस्तियाँ आपके मेवात में आ रही हैं और इस वीडियो को बनाने का जो मकसद है वो यही है कि आपको पता चल जाए कि 17 अक्टूबर को यहाँ एक बड़ा इजलास आम होने जा रहा है। जैसा कि कारी साहब ने अभी बताया कि मौलाना मुफ्ती हारून नदवी जो वायरल न्यूज़ चलाते हैं यूट्यूब पर, जिनका चैनल है, वो भी यहाँ पर तशरीफ़ ला रहे हैं और बड़े बड़े उलामा यहाँ पर आ रहे हैं। मतलब ये आप हमारे चैनल के माध्यम से लोगों तक क्या संदेश पहुंचाना चाहते हैं? मैं यही गुजारिश मुद्दबाना करूंगा कि तमाम अकाबरीन की ज़ियारत करें, क्योंकि अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है कि उलमा इकराम की ज़ियारत करना भी एक अमल है और अल्लाह तबारक व ताला इनके ज़रिए से मगफ़िरत का ज़रिया भी बना देंगे। तो मैं आप सभी से आपके चैनल के माध्यम से ये बात पहुँचाना चाहूँगा कि तमाम जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है और जहाँ तक ये लोग देख रहे हैं, 17 अक्टूबर बाद नमाज ज़ोहर से इशा तक ये प्रोग्राम का मुनक्किद रहेगा। तमाम अहबाब इसके अंदर आकर अपने उलमा इकराम के बयान सुने, उनकी दुआओं का और अपनी बातों का उनके सामने मामला रखें, ताकि हम लोग इन्हीं अकाबरीन के साथ जन्नत में जाएंगे। अच्छा, जो इसमें दाखिले शुरू होंगे बच्चों को, कब से शुरू? इसके बच्चों के दाखिले जो शुरू होंगे वो आइंदा ईद के बाद ही शुरू होंगे। अभी फ़िलहाल में जो गांव के बच्चे आ रहे हैं, 80-90 तलबा इस गांव के बच्चे बच्चियां पढ़ने आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, उनको हम लोग पढ़ा रहे हैं और हम इन गाँव वालों की मदद चाहते हैं। इन गाँव वालों से यही चाहते हैं कि अपने बच्चों को भी इसमें ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाएँ।
तो यहाँ पर जो अभी फ़िलहाल गांव के ही लोग पढ़ने बच्चे पढ़ने आ रहे हैं, अगर कोई बाहर का पढ़ने आए तो उसके लिए क्या कंडीशन है? उसके लिए पूरा इंतज़ाम है। अगर बाहर के बच्चे का दाखिला आज हो जाए तो आज भी अल्हम्दुलिल्लाह गांव पूरा सपोर्ट करने के लिए तैयार है। जिस तरीके से अनाज हुआ, खाने का राशन हुआ, पूरा साल का भरवा देंगे लोग। अच्छा, लेकिन अभी से शुरू नहीं, बाहर के जो बच्चे हैं वो अभी एडमिशन नहीं ले सकते, ईद के बाद शुरू होंगे। तो जैसा कि कारी साहब ने बताया कि जो अभी फ़िलहाल रोहिंगा कला के 70-80 बच्चे ही यहाँ पर पढ़ रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे ये अब स्टार्टिंग हुआ है और कुछ दिन बाद यहाँ के बाहर के बच्चों के लिए दाखिले शुरू हो जाएंगे। और अब हम आपको कुछ ग्रामवासियों से भी मिलाते हैं, उनका क्या कहना है इस मदरसे पर। क्या नाम है जी आप? भुट्टू। जैसा कि यहाँ पर 5 साल से मदरसा बंद पड़ा हुआ था और अब ये चालू हुआ है, तो यहाँ पर जैसा कि बाहर के बच्चे जो पढ़ने आएंगे तो उनके लिए सारा इंतजाम जो होना चाहिए मदरसे में, क्या ग्रामवासी कर पाएंगे? इंशाल्लाह ग्रामवासी कर पाएंगे। आपका क्या नाम? मोहम्मद जमशेद। ये मदरसा शुरू हुआ है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? ये मदरसा जो शुरू हुआ है, हम इसके बारे में ये कहते हैं कि इंशाल्लाह यहाँ तालिबे आएंगे और ये हमारे जो कारी साहब है जिसके लिए हमने दिया है ये मदरसा, अच्छी मेहनत करेंगे तो इंशाल्लाह दीन के अंदर एक इजाफा पैदा होगा और ईमान के अंदर एक उमंग पैदा होंगी, तो इंशाल्लाह गांव वालों को भी फ़ायदा होगा और हमारा भी फ़ायदा होगा और जो बाहर से जो बच्चे आएंगे तो इंशाल्लाह उनका भी फ़ायदा होगा। तो जो ये हमारा मदरसा है, काफ़ी दिन से वीरान पड़ा हुआ है, कई साल इसको हो गए हैं, तो हमें बहुत खुशी हुई है कि ये हमारा मदरसा अल्हम्दुलिल्लाह कारी साहब ने अपने ज़िम्मे लिया है और कारी साहब इंशाल्लाह इनको चलाएंगे। हमें उम्मीद भी है कि कारी साहब इंशाल्लाह इस मदरसे को चलाएंगे। तो दोस्तों, ये ग्रामवासियों का कहना भी है कि जो कारी साहब यहाँ पर आए हैं, एक अच्छी लगन से और मेहनत से यहाँ पर बच्चों को पढ़ा रहे हैं और आगे भी पढ़ाते रहेंगे। इस वीडियो का मकसद ये है कि जो इजलास आम जो होने जा रहा है, वो 17 अक्टूबर को जो होने जा रहा है, उसमें तमाम जहाँ जो भी यूज़र हमारी इस वीडियो को देख रहा है, वहाँ से सभी लोग इस इजलास आम में शिरकत जरूर करें। दोस्तों, ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए मेवात आज तक। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए।